क्या मोदी के खिलाफ केजरीवाल का एजेंडा चला रही काजोल, देश के नेताओं को बताया अशिक्षित। चौथी पास राजा। लेकिन राजा तो अनपढ़ था, उसे तो कुछ आता नहीं था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। एक कहावत है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। इसका मतलब है कि अपने भीतर कमियां रखने वालों को औरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। फिलहाल ये कहावत बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। दरअसल स्कूल से ड्रॉप आउट काजोल को लगता है कि देश के नेता अनएजुकेटेड हैं। लगता है कि काजोल को ये नहीं पता कि इंग्लिश में बात कर लेने से कोई एजुकेटेड नहीं हो जाता। तभी तो एक्ट्रेस ने देश के नेताओं को एक झटके में अनएजुकेटेड कह दिया है। आपको बता दें कि काजोल इन दिनों अपनी फिल्म द ट्रायल का जमकर प्रमोशन कर रही हैं। फिल्म के प्रमोशन के दौरान काजोल ने एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत में देश के नेताओं पर विवादित बयान देकर बवाल मचा दिया है। काजोल ने कहा, बदलाव खासकर भारत जैसे देश में धीमा है, ये बहुत ही ज्यादा ही स्लो है, क्योंकि हम अपनी परंपराओं और विचारों में डूबे हुए हैं और निश्चित रूप से इसका संबंध शिक्षा से है। आपके पास ऐसे राजनीतिक नेता हैं जिनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, मुझे खेद है, लेकिन मैं बाहर जाकर ये कहूंगी, देश पर नेताओं का शासन है। इनमें से बहुत से नेता ऐसे हैं जिनके पास सही नजरिया तक नहीं है, जो सिर्फ शिक्षा से आता है। अब काजोल ने जिस तरह से देश के नेताओं पर शिक्षा पर सवाल उठाए हैं, उससे अब लोग दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल केजरीवाल कई बार पीएम नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर सवाल उठा चुके हैं। कभी उन्हें चौथी पास कहा गया तो कभी बारहवीं पास। इतना ही नहीं, केजरीवाल बौखलाहट में पीएम नरेंद्र मोदी को अनपढ़ तक कह चुके हैं। केजरीवाल अपने हर दूसरे बयान में पीएम नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर तंज कसते रहते हैं। या यूं कहें कि दिल्ली के सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसे लेकर एजेंडा चलाया हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या काजोल पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ केजरीवाल के एजेंडे में साथ दे रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं और काजोल को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, एक गुटखा बेचने वाली की स्कूल ड्रॉप आउट औरत हम भारतीयों को ज्ञान दे रही है कि देश को कौन चलाएगा। वहीं एक और अन्य यूजर ने काजोल को लताड़ लगाते हुए कहा, लुक हु इज सेइंग शी इज अ स्कूल ड्रॉप आउट एंड वाइफ ऑफ जुबा केसरी इन्फ्लुएंसर, मिसेस यू हैव नो राइट्स टू टॉक अबाउट दीज मैटर्स। वहीं एक और अन्य यूजर ने लिखा, कैन यू शेयर हर डिग्री इन पब्लिकली, बॉलीवुड पर्सन डजंट डिजर्व फॉर एनी कमेंट। इसके अलावा एक और अन्य यूजर ने लिखा, श्रीमती काजोल देवगन, डोंट यू इंसल्ट द पॉलिटिकल लीडर ऑफ आर कंट्री लाइक दैट, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स टुडे आर एजुकेटेड, यू आर स्टिल लिविंग इन द पास्ट, फर्स्ट लर्न टू रिस्पेक्ट योर ऑन कंट्री एंड दोज हु रूल दैट कंट्री। वहीं एक और अन्य यूजर ने लिखा, काजोल देवगन, यू आर हिपोक्रेटेड, लीव द कंट्री इफ यू डू नॉट लाइक फ्लॉप एक्ट्रेस। इतना ही नहीं, एक और अन्य यूजर ने लिखा, काजोल इज अ स्कूल ड्रॉप आउट, हर हस्बैंड सेल्स गुटका, ऑल दैट डिडंट स्टॉप हर फ्रॉम सेइंग वी आर रूल्ड बाय अनएजुकेटेड लीडर्स, ऐसा कॉन्फिडेंस कहां से मिलता है। तो देखा आपने, देश के नेताओं के खिलाफ ऐसा बयान देना काजोल को भारी पड़ गया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग झेलने के बाद काजोल ने अपने विवादित बयान पर सफाई दी है। ट्रोलिंग के बाद काजोल के तेवर बदले बदले दिख रहे हैं। एक्ट्रेस ने ट्वीट कर अपनी सफाई पेश की है। काजोल ने ट्वीट में लिखा, मैं केवल शिक्षा और उसके महत्व के बारे में बात कर रही थी। मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक नेता को नीचा दिखाना नहीं था। हमारे पास कुछ महान नेता हैं जो देश को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। अब काजोल विरोध झेलने के बाद जिस तरह से बैकफुट पर आई हैं, वो हर किसी को हैरान कर रहा है। ट्रोलिंग से पहले देश के नेताओं को अनपढ़ बताने वाली काजोल अब कह रही है कि हमारे देश के नेता महान है। आपको बता दें कि काजोल ने देश के नेताओं की शिक्षा पर विवादित बयान देकर अपनी फजीहत खुद ही करवा ली है। यही वजह है कि अब लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या काजोल पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ केजरीवाल के एजेंडे में साथ तो नहीं दे रही। चलिए जाते जाते आपको दिखाते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का वो वीडियो जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौथी पास राजा बता रहे हैं। चौथी पास राजा, किस किस ने सुनी है ये कहानी? इस कहानी का महात्म्य है कि इस कहानी को जितनी बार सुनोगे, जितनी बार सुनाओगे,
उतनी भगवान की कृपा आपके परिवार के ऊपर बरसेगी। इस कहानी का जितना प्रचार प्रसार करोगे उतना देश की तरक्की होगी, उतना समाज की तरक्की होगी। तो जिन लोगों ने कहानी सुनी है वो भी बड़े ध्यान से दोबारा सुनना, अच्छे से सुनना और इसका खूब प्रचार प्रसार करना। ये कहानी एक राजा की है, एक चौथी पास राजा की कहानी है, एक अहंकारी राजा की कहानी है, एक भ्रष्टाचारी राजा की कहानी है। आप लोगों ने राजा और रानी की कई कहानियां सुनी होंगी। इस कहानी में राजा तो है, रानी नहीं है। तो एक महान देश था, कई हजार साल पुराना देश। उस देश के एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ, बहुत गरीब घर में एक बच्चा पैदा हुआ। तो जैसे गांव के अंदर बच्चा पैदा होने पे ज्योतिषी आते हैं, ज्योतिषी आके बच्चे का भविष्य बताते हैं, ऐसे गांव का ज्योतिषी आया, उसने बच्चे की कुंडली देखी और बच्चे की मां को बोला कि माई तेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को समझ नहीं आया, मैं इतनी गरीब, मेरा परिवार इतना गरीब, मेरा बेटा सम्राट कैसे बनेगा। खैर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, गांव के सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया। उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। पढ़ते पढ़ते क्लास करते करते चौथी में आके उसने नाम कटवा लिया, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। बगल में, गांव के बगल में एक रेलवे स्टेशन था, घर में बहुत गरीबी थी। वो बच्चा वहां स्टेशन पे जाके चाय बेचने लगा। चाय बेच के अपना गुजारा करता था। वो भाषण बहुत अच्छा देता था, बचपन से ही बड़ा अच्छा भाषण देता था। गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता और भाषण देना चालू करता। धीरे धीरे आसपास के गांव में फैल गया कि यह बच्चा भाषण बड़े अच्छे देता है। आसपास के लड़के भी इकट्ठे हो गए और जो मर्जी टॉपिक हो भाषण देना चालू कर देता था और रुकता ही नहीं था, घंटों घंटों तक भाषण देता रहता। बच्चा बड़ा हुआ, ज्योतिषी ने कहा था बड़ा होके बच्चा उस महान देश का सम्राट बन गया। लेकिन राजा तो अनपढ़ था, उसे तो कुछ आता नहीं था। अफसर आते उस अनपढ़ राजा से जहां मर्जी साइन करा लेते, जहां मर्जी जो मर्जी साइन करा लेते। वो राजा अनपढ़ था, उसे लगता था मैं अगर अफसरों से पूछूंगा तो मेरी कमजोरी सबके सामने प्रकट हो जाएगी, अफसरों को लगेगा मेरे को कुछ आता नहीं है। अफसर जो मर्जी लेके आते थे वहां साइन कर देता था वो। धीरे धीरे पूरे देश के अंदर फैल गया कि राजा अनपढ़ है, राजा अनपढ़ है। राजा को बड़ा बुरा लगने लगा। तो राजा ने कहीं से एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया, एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया, एमए की डिग्री का। और राजा बोला मैं एमए हूं, पर सच्चाई तो पूरे देश को पता थी राजा तो अनपढ़ था।